लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। SC ST एक्ट में हुए बदलावों के विरोध में 2 अप्रैल को दलित संगठनों ने भारत बंद बुलाया था। अब आरक्षण के विरोध में आज भारत बंद बुलाया गया। इस बंद को लेकर देश के सभी राज्यों की पुलिस हाई अलर्ट पर है। गृह मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को सख्ती बरतने के लिए कहा गया है। कई राज्यों में भारत बंद के चलते धारा 144 लागू की गई है। बिहार के आरा थाने में आनंद नगर इलाके में कई समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है। इसके अलावा आरा में ही सैकड़ों युवाओं ने पटना पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया है। भारत बंद का सबसे ज्यादा असर बिहार में दिखा, जहां हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जाम में फंस गए। बंद समर्थकों ने केंद्रीय मंत्री से बदसलूकी भी की गई। भारत बंद का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में रविवार से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सहारनपुर में अग्रिम आदेशों तक इंटरनेट की सुविधा बंद कर दिया गया है। पंजाब के फिरोजपुर में भारत बंद के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। दुकान बंद करवाने के दौरान लोगों ने मोटरसाइकिल पर पथराव किया। इस दौरान लोगों ने तलवारों से हमला किया, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। 2 अप्रैल को बुलाए गए भारत बंद के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा मध्य प्रदेश में हुई थी। इस बार भारत बंद को देखते हुए राज्य के कई शहरों में धारा 144 लागू की गई है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी में इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई है। भिंड और मुरैना में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पैरा मिलिट्री फोर्स की 6 कंपनियों को तैनात किया गया है। राजस्थान में इस बार सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। जयपुर में मोबाइल इंटरनेट की सुविधा पर रोक लगा दी गई है और शहर में धारा 144 लागू की गई है। आपको बता दें कि भारत बंद को देखते हुए देशभर में गृह मंत्रालय ने 30 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को तैनात किया है। इसमें 14 कंपनी अर्धसैनिक बल की उत्तर प्रदेश में, 4 कंपनियां CRPF की मध्य प्रदेश में, 8 कंपनियां राजस्थान में और CRPF की 4 कंपनियां बिहार में तैनात की गई है। लेकिन सबसे अहम बात है कि आखिर भारत बंद बुलाया किसने, तो आपको ये मैं बता दूं कि भारत बंद किसी संगठन के द्वारा नहीं बुलाया गया है, बल्कि 2 अप्रैल के बाद लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे संदेशों के जरिए ही बुलाया गया है।